शुरुआत करूया। वेळ झाली आहे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dhamma till the very end. Avtaar Meher Baban Ki Jai, Avtaar Meher Baban Ki Jai, Avtaar Meher Baban. जय बाबा, सभी को जय बाबा। मेहर बाबा स्टीफिन लेक्चर में हम लेक्चर का डेट है 28 नवंबर 1926 का लेक्चर देख रहे हैं, जो कि बहुत लंबा सा है और काफ़ी विषयों पर बाबा ने इसमें विस्तृत से बताया। जब बाबा लोनावला में थे और अपने से वो अपने मूड में थे कुछ बताने के, और उन्होंने ये सब इसमें विविध विषयों पर बताया है। तो जैसे कि पिछले बार हमने संस्कारों की उत्पत्ति कैसे होती है और वो वाइप ऑफ कैसे होते हैं, कम कैसे होते हैं और पूर्ण उनका नाश डिस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसके लिए क्या करना है, कौन करता है, कैसा करता है, इसके बारे में देखा कि सद्गुरु के द्वारा ही उसका पूरा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उसी प्रकार के साक्षात्कार दर्शन और दृष्टांत, इसके बारे में भी हमने देखा था पिछले इसमें। और हमने योगास के बारे में पहले भी बाबा ने एक लेक्चर में 254 नंबर का दिया है ना, कि इसके टिफिन लेक्चर में ही पहले एक लेक्चर में बाबा ने विविध योगा के ऊपर दिया था। अब यहाँ पर वापस बाबा ने द फोर योगास दिया है। आज हम वो योगास के बारे में देखेंगे, बाबा क्या कहते हैं, काफ़ी विस्तृत रूप से दिया है। और इसके आगे फिर सर्कल के बारे में बाबा ने कुछ भाष्य किया है, वो देख के आगे देखेंगे हम कैसा कितना कवर कर सकते हैं। तो चार योगास बाबा ने बताया है, कर्मयोग, और सभी कोई भी योग के लिए, सबके लिए मूलतः प्राथमिक कंडीशन ये होती है कि सभी आसक्तियों को, सब संसार को छोड़कर फिर वो उस योग को किया जा सकता है। ये प्राइमरी कंडीशन है, ये प्राथमिक कंडीशन है उसके लिए, ये करने के लिए। तो सब रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल वर्ल्डली अटैचमेंट्स बाबा ने कहा है, वो करने के बाद या तो कोई कर्मयोग करता है, कोई भक्ति योग करता है, या तो राजयोग करता है या ज्ञान योग करता है, कोई एक करता है, चारों साथ में नहीं हो सकता है। तो चारों साथ में कौन कर सकता है और वो किस प्रकार से है और दोनों साथ में क्यों नहीं हो सकते, ये सब इंटरेस्टिंग पोर्शन बाबा ने इसमें दिया है। बट एज आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग एंड नाउ से अगेन, दिस योगा सक्सीड ओनली इन स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू संस्कारास। बाबा कहते हैं कि जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, और कई बार बाबा ने ये हमेशा स्पष्ट किया है कि योगा आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ हद तक बहुत सीमित मात्रा से वो उपयोगी है, उससे हमारा अंतिम लक्ष्य जो है ईश्वर साक्षात्कार, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है, वो भी आगे पहले के प्रकरण में बाबा ने बहुत अच्छे से विशद किया है, क्योंकि योगा के माध्यम से कोई अपने मन को कंट्रोल करता है, तो वो सभी दबी हुई आकांक्षाएं, इच्छाएं जो है, ज़्यादा से ज़्यादा योगा के माध्यम से बिना किसी सद्गुरु की सहायता से वो जीवात्मा एक पर्टिकुलर चौथी, पांचवी, छठवीं भूमिका तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि छठवीं भूमिका में कोई बचे पूछे थोड़े बहुत संस्कार रहते हैं, अहम मन रहता है, ये सबका नाश केवल सद्गुरु के आशीर्वाद से, कृपा से ही हो सकता है। वो अपने आप से कोई भी नहीं किसी भी हालत में कर सकता है। और चौथी भूमिका में जो उसको बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं,
और उसका वो यदि दुरुपयोग करता है, क्योंकि उसने अभी तक जो हमारी दबा के रखी थी अपनी इच्छा आकांक्षाएँ, वो एकदम जोर खाती है, और फिर यदि उसका दुरुपयोग वो करता है तो पत्थर योनि तक नीचे चला जा सकता है। लेकिन यदि सद्गुरु के मार्गदर्शन में कोई करता है अपनी आध्यात्मिक यात्रा, तो ये खतरा होता नहीं, क्योंकि सद्गुरु उसको बचाता है। फिर आगे बाबा ने बताया है कि जैसा कि मैं हमेशा स्पष्ट करते आया हूँ और अभी वापस से कहता हूँ कि ये जो योगास है, ये जो संस्कार, अब यहाँ पर ये चार योगा के बारे में बाबा ने बताया है, लेकिन उसको किस रिलेशन में, किस कंटेक्स्ट में बताया है, तो संस्कार को ख़त्म करने के, नष्ट करने के दृष्टि से योगा कैसे उपयोगी है या नहीं वो बाबा बताते हैं। तो संस्कारों का, नए संस्कारों का निर्माण कुछ हद तक इसको ये रुका सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इतना ही। ये योगा सक्सीड ओनली इन स्टॉपिंग द फॉर्मेशन, केवल नए संस्कारों की उत्पत्ति बंद करने में, रुकाने में योगा सहायकारी होता है। द पास्ट स्टोर रिमेन्स एज इट वॉज, लेकिन जो पहले के संस्कार का भंडार हमारे पास इतना बड़ा पड़ा है, पूरा हो कभी ख़त्म होता नहीं है। और कई बार लोग ये पूछते रहते हैं कि सारे संस्कार जो है आफ्टर डेथ लाइफ में वो सब ये होता है, ऐसा नहीं है, बैलेंसिंग नहीं होता है, या जो है विरुद्ध प्रकार के संस्कार खर्च करके पूरा संस्कार मिटते नहीं है, बचे कुचे संस्कार, या तो जो नेचुरल संस्कार बाबा ने बाद में उसको बताया है, उस प्रकार के संस्कार तो रहते हैं, नेचुरल संस्कार और अननेचुरल संस्कार ये भी हम कर चुके हैं। द पास्ट स्टोर रिमेन्स एज इट वॉज, तो योगा के माध्यम से नए संस्कारों का निर्मिति केवल रुका जा सकती है, लेकिन जो पहले का भंडार है संस्कारों का, बैलेंस जो है, वो शेष जो है वो वैसे ही रहता है, अनडिस्ट्रॉयड, बिना खत्म हुए, स्टिल अ हिंडरेंस एंड ब्लॉक इन द एडवांसमेंट टुवर्ड्स द गोल ऑफ रियलाइजेशन। ये जो पिछले संस्कारों का भंडार पड़ा है, जो कि नष्ट नहीं, पहले के संस्कार योगा द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते, और ये जो आध्यात्मिक प्रगति के जो यात्रा है, जो अंतिम लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार का, गॉड रियलाइजेशन का, इसके मार्ग में ये पहले के संस्कार अभी भी एक बाधा बनकर खड़े रहते हैं। योगा के माध्यम से केवल नए संस्कारों का निर्माण रुका जा सकता है, पहले के संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। फॉर दिस रीजन योगा मार्ग इन इट्स वेरियस फॉर्म्स रिमेन्स ineffective since it does not serve the aim in view which is to attain to perfection। इसीलिए बाबा कहते हैं कि योग मार्ग जो है वो अपने विविध रूपों में कुछ मर्यादा तक बेअसर ही होता है, क्योंकि जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति है ईश्वर साक्षात्कार की, या परिपूर्णता प्राप्त करने की, वो प्राप्त करने के लिए योगा मार्ग बेअसर है, योग मार्ग बेअसर है। देन वॉट टू डू टू प्रिवेंट एंड ब्लॉक द क्रिएशन ऑफ न्यू संस्कारास वाइल डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड वंस फ्रॉम द पास्ट। अब बाबा खुद ही यहाँ बोलते हैं, तो फिर यदि ऐसा है तो नए संस्कारों का निर्माण होने से रोकने का, वो बंद करने का, उसके साथ ही पुराने संस्कार भी खत्म कर किया जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नो अदर मेथड और रेमेडी ऑफर्स इट्सेल्फ बट फॉर सत्संग एंड सहवास। बाबा कहते हैं इसके लिए सत्संग और सहवास के अलावा, इसके सिवाय और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। द कंपनी ऑफ एंड रिमेनिंग विद अ परफेक्ट सेंट मेक सच अ वन युवर गुरु एंड सरेंडर टू हिम हार्ट एंड सोल। ऐसे गुरु को आप अपना पूर्ण आत्मसमर्पण करो और उसकी सहवास में रहकर उसकी सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करके सभी आज्ञाओं का उसका पालन करो। ये पहले भी बाबा ने बताया है, इसी किताब में हम देख चुके हैं, कंपनी ऑफ रिमेनिंग विद अ परफेक्ट सेंट, जो स्वयं
ऐसा संत जो स्वयं परिपूर्ण है, मतलब ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त है, इसे गॉड रियलाइजेशन जिसे मिला है, इसका मतलब सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु को शरण जाओ, उसे पूर्ण तहे दिल से, हार्ट एंड सोल, पूरे दिल से, उसे दिलो दिमाग से उसको आत्मसमर्पण पूरे रूप से करके उसकी सेवा में सहवास में रहो। दिस इज द ईजीएस्ट एंड बेस्ट इन डीड, द ओनली वे, इट प्रोवाइड्स द रेयर रेमेडी, द की टू दिस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल ऑफ योर संस्कार। बाबा कहते हैं कि यह आपके पूरे संस्कार खत्म करने का जो अत्यंत कठिन काम है, उसके लिए बहुत दुर्लभ ऐसा उपाय है, मास्टर की है। वास्तव में इतना सबसे आसान और सबसे उत्तम उपाय है कि सद्गुरु की कंपनी में रहना, उसका सहवास प्राप्त करना। और हम पहले भी ये देख चुके हैं कि सद्गुरु यदि शरीर में नहीं है तो उसका नाम स्मरण द्वारा, या जैसा हम लोग कोई भी सत्संग भजन को, इसीलिए सत्संग कहने की पद्धति इसीलिए है कि वहाँ आप मेंटली मानसिक रूप से अपने सद्गुरु से कनेक्ट होते हैं, फिर वो भजन द्वारा हो, वाचन द्वारा हो, जप द्वारा हो, इसीलिए उसका भी महत्व है। जब गुरु शरीर में नहीं होता है तो भी वो अपना कार्य इस प्रकारों द्वारा करता रहता है। दिस इज द ईजीएस्ट बेस्ट इन डीड, वास्तव में ये सबसे उत्तम उपाय है, सबसे आसान सरल उपाय है। और ये जो अत्यंत दुष्कर कार्य है संस्कारों को ख़त्म करने का, उस कार्य को करता है। एंड व्हाई सो, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अ ट्रू गुरु हैज रियलाइज्ड गॉड, एंड दीज रियलाइज्ड वंस कैन बी कंपेयर टू नॉलेज फर्नेसेस, ज्ञान भट्टी, फर्नेसेस दैट कंज्यूम ऑल थिंग्स टॉस्ड इन टू देम इन डीड, इवन दोज थिंग्स दैट अप्रोच एंड कम इन टू कॉन्टैक्ट विद देम। तो ऐसा क्यों होता है? सदगुरु के सहवास में संस्कार नष्ट कैसे होंगे? तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये जो सही असली गुरु है, जिसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है, जिसे ईश्वर से एक रूप होने का, मैं ही ईश्वर हूँ इस चीज़ का अनुभव किया है, ऐसे जो सही गुरु होते हैं उनकी तुलना एक फर्नेस जो भट्टी रहती है, वो भट्टी पर कौन सी भट्टी है, ये तंदूर की भट्टी नहीं है, लेकिन ज्ञान की भट्टी के समान वो सद्गुरु रहते हैं। और उनकी जो ज्ञान की भट्टी है, इसमें आप जो भी डालो, अच्छा बुरा, सभी को वो खत्म कर देगा, एवरीथिंग। ये अग्नि में आप जो भी डालो, अग्नि उसे स्वाहा कर देगा। और ये अग्नि कौन सा है? ज्ञान की अग्नि है। वो सद्गुरु में जो ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त है, उस अग्नि में जो भी कुछ डालोगे, इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि डोंट वरी, जो भी है आपकी कमियाँ मुझ में दे दो, मुझे दे दो, क्योंकि मैं समंदर हूँ, सब कुछ इसमें समा जाएगा। तो यहाँ पर इसी को बाबा ने दूसरी तरीके से बताया है कि ये जो ज्ञान की अग्नि है, भट्टी है, उसमें सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। जो कुछ उसको अप्रोच करेगा, सद्गुरु के संपर्क में आएगा, वो सबको। एंड व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू दिस स्पिरिचुअल फर्नेस दिस सेज संस सद्गुरु बर्न एंड कंज्यूम। तो ये जो संत है, सद्गुरु है, वली है, ये जो आध्यात्मिक भट्टी है, ये आध्यात्मिक भट्टी किस चीज़ों को नष्ट कर देगी, किस चीज़ों को ये जला डालेगी? The samskaras of those who come near and live, the samskaras of those who come near and live under them, samskaras of all kinds, good and bad, past and present, all, just as a furnace consumes everything put into it, good things and bad, beautiful, fragrant flowers along with filthy, dirty, stinking nook, absolutely everything, without the slightest regard to its worth, material or otherwise.
तो इस आध्यात्मिक भट्टी में क्या क्या जलेगा? जो भी कोई सद्गुरु के संपर्क में आएगा, उसके सहवास में रहेगा, उसके आज्ञा के अंदर लिव अंडर देम मीन्स उसके आज्ञा से काम करेगा, उनके सारे संस्कार, सभी प्रकार के संस्कार, अच्छे बुरे, अभी के, पहले के, पुराने, जैसे वो फर्नेस जो है, भट्टी है, अग्नि की भट्टी क्या करती है, आप उसमें जो भी डालोगे, अच्छा हो, बुरा हो, सुंदर हो, खुशबू वाला फूल हो, सूखा हुआ फूल हो, गंदगी हो, एब्सोल्युटली एवरीथिंग, सब कुछ वो अग्नि जला देता है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये सद्गुरु के ज्ञान की जो भट्टी है, उसमें सद्गुरु के सहवास में, उसके साथ में आने वाले, इसके आसपास के संपर्क में आने वाले के सभी कुछ, सभी प्रकार के संस्कार, वो भट्टी सद्गुरु की ज्ञान की भट्टी जला डालती है, खत्म कर देती है, विदाउट द स्लाइटेस्ट रिगार्ड टू इट्स वर्थ, मटेरियल और अदरवाइज। वो फिर अच्छा हो बुरा हो, जैसा अग्नि में हो, आप सोना डालो, गहना डालो, कपड़ा डालो या गंदगी डालो, जो भी डालोगे, वो भौतिक दृष्टा बहुत महंगा हो, कीमती हो, हल्का हो, गंदा हो, नर्क हो, कुछ भी बिना देखे अग्नि सब कुछ खत्म कर देता है, उसको जला देता है। उसी प्रकार देखो हम कितना हल्के में या लाइटली लेते हैं बाबा और उनकी कंपनी, या उनके प्रेमीजनों की मंडली की कंपनी, या उनके समाधि जाना, या उनके ध्यान में रहना, ये भी एक प्रकार का सहवास है। तो हम कितने उनको हल्के में लेते हैं, जैसा कहते हैं ना, सो लाइटली वी टेक इट, उसका कितना गहरा महत्व है कि उनके सहवास में आने से, उनकी जो आप तहे दिल से जब उनका स्मरण करते हैं, तो उतने वो आपके संस्कार जानने में समर्थ है। और मुझे याद है, वापस मैं एक हकीकत बोलती हूँ, ध्यान में आया तो पट से, कि मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि बाबा ने, उस कौन सा साल था वो तो मुझे मालूम नहीं, और दर्शन करते समय बाबा ने बताया था कि इसके पहले के सारे अभी संस्कार खत्म कर दिए हैं। अब ये केवल मेरे लिए था कि उस समय जमा हुए सब मंडलीजनों के, जो भी दर्शनार्थी, उनके लिए था या किस इसमें था, ये तो मुझे पता नहीं, और मैं उसके ऊपर थोड़ा हमेशा आशंका रहती थी मुझे। अब कुछ हद तक वो क्लियर हो गया है, आगे रहता है वो हमारा अपना रहता है। एंड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ संस्कार, वो किसके पास सबसे बड़ा संस्कारों का भंडार होता है? बाबा कहते हैं सीनर्स, जो पापी है उनके पास संस्कारों का बहुत बड़ा भंडार होता है। इट इज़ फॉर दिस वेरी रीजन टू डिस्ट्रॉय the largest stores of the worst sanskaras that these saints and avatars work more for those sinners who are most immersed in sins and hence drowned in bad sanskaras more than anyone else is। Baba kehte ki sabse jyada bhandar, kyunki papi logon ka खराब संस्कार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डार्क होते हैं वो संस्कार, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और इसी कारण बाबा कहते, इसी कारण ये जो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा भंडार है गंदे संस्कारों का, उनका नष्ट करने के लिए ये जो भी अवतार आते हैं, संत आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के गंदे संस्कार ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वो कार्य वो करते हैं, वर्क मोर फॉर दोस सीनर्स, जो पापी है उनके संस्कार, ये जो गंदे संस्कारों का बहुत बड़ा भंडार होता है, उनको ख़त्म करने का कार्य वो करते हैं। आर मोस्ट इमर्स्ड, जो भी ये पाप और पापी कृत्य में, गंदे संस्कार इकट्ठा करने में जो जुटे रहते हैं, ऐसे लोगों के संस्कार मिटाने में, ख़त्म करने का कार्य ये संत और सद्गुरु अवतार करते हैं। और कोई भी किसी भी संस्कारों को ख़त्म करने से इन लोगों के संस्कारों के ऊपर अधिक कार्य किया जाता है। जीसस सेड, आई वांट द कंपनी ऑफ सीनर्स एंड इंडीड ही हैड सीनर्स लाइक मेरी मैग्डलेन अराउंड हिम, शी हुम ही इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्रेट सेंट। तो यहाँ आगे बाबा कहते हैं, इसीलिए जीसस ने कहा था, आई वांट द कंपनी ऑफ सीनर्स, कि मुझे जो पापी है वो पापियों की कंपनी मुझे चाहिए, सहवास चाहिए। और वास्तव में
उनके अगल बगल में ऐसे ही पापी लोग थे जैसे कि मेरी मैगडेलिन, जो कि जिसे अंततः जीसस में एक बड़े संत में परिवर्तित किया। इवन नाउ श्री बाबा जानकी सराउंड हिमसेल्फ अमंग्स द भक्तास द मेन नोन एज चांदुलीज हु आर इन द हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग ड्रेडफुल क्वांटिटीज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स and generally the worst of sinners in other spheres of life who naturally are most liable to the accumulation of samskaras. और बाबा आगे जाके कहते हैं कि जैसे जीसस के अगल बगल में पापी थे, ऐसे बाबा जान को देखो आप, बाबा जान भी उनके अगल बगल में, जैसे कौन से भक्त ज़्यादा रहते थे, वो चांदुलीज ज़्यादा रहते। चांदुलीज कौन है? एक तो खराब आदत होती है और बहुत भयंकर स्वरूप का जो ड्रग्स है, इंटॉक्सी, नशा करने वाले लोग जो है, एकदम उग्र नशा करने वाले लोग है, उनको चांदुलीज कहते हैं। और ऐसे चांदुलीज बाबा जान के अगल बगल में रहते थे जनरली, यूजुअली, सामान्य रूप से, जो एकदम सबसे खराब से खराब पापी है, जो जिंदगी की बाकी गतिविधियों में, स्फेयर्स में एकदम खराब पापी है, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा खराब संस्कार जमा किए होंगे, ऐसे ही लोग आपको सामान्य रूप से, बाकी लोग भी रहते थे, सामान्य रूप से ज़्यादातर बाबा जान के अगल बगल में आपको दिखाई देंगे, ऐसा बाबा यहाँ कहते हैं। और यहाँ पर बाबा जान के लिए बाबा ने हिमसेल्फ, बाबा जान कीप्स अराउंड हिमसेल्फ, बाबा जान के लिए बाबा ने हिमसेल्फ लिखा है, हर सेल्फ नहीं। और बाबा जान को खुद को भी, उनको महिला करके यदि कोई संबोधित करे तो वो पसंद नहीं था। और बाबा भी हमेशा बाबा जान को मतलब श्रीलिंगी कभी वो उल्लेख नहीं करते थे। यहाँ एक फुटनोट दी है, हम उसे पढ़ेंगे तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। हियर अगेन एज इन अदर प्लेसेस हजरत बाबा जान दो बायोलॉजिकली अ वूमन इज रेफर्ड टू थ्रू द मस्कुलिन प्रोनाउन फॉर फर्दर डिस्कशन सी फुटनोट पेज 111। इसके पहले भी हमने इसको देख लिया है पहले के लेक्चर में कि महिला होने के बावजूद बाबा जान को पसंद नहीं था और बाबा भी उनको कभी श्रीलिंगी इसमें प्रोनाउंसिएशन उनको कभी एड्रेस नहीं करते थे। तो बाबा ने यहाँ बाबा जान हिमसेल्फ ऐसा लिखा है कि जिनके अगल बगल में चांदुलीस रहते थे जो नशा करते हैं। चांदुली गुजराती इज़ अ कंज्यूमर ऑफ चांदुल, अ प्रिपरेशन ऑफ ओपियम स्मोक थ्रू अ पाइप। अफू की जो नशा करते थे ऐसे लोगों को चांदुली बोला जाता है। आगे देखते हैं। दिस सेंस एक्टिवली वॉन्ट सीनर्स फॉर दे वॉन्ट टू गिव अ लिफ्ट एंड रेज दिस मोस्ट रेचेड unfortunate victims of Maya to a higher level, saving them from creating even more wicked sanskaras and thus falling into the sanskaras clutches. तो ये जो संत है वो क्या, ये इनके अगल बगल में पापी लोग क्यों रहते थे? ऐसे जो नीच है, घृणा योग्य लोग है, अभागी है, जो ये माया की दुष्ट चुगुल में फंस गए हैं, माया की शिकार बन गए हैं, ऐसे जो अभागी लोग हैं, इनको इनसे इस सबसे माया से ऊपर उठाना, इन अभागियों के लिए काम करना और ये माया के चुगुल से, ये शैतान से उनको बचा लेने का, एंड दस फॉलिंग इनटू देयर, और माया से ये जो शैतानी संस्कारों में ये जो फंस जाएंगे हैं, ये शैतानी संस्कारों की जकड़ में आने से ऐसे दुर्भाग्यों के बचाना, यही वास्तविक कार्य है संत लोगों का। दिस इन सूत हकीकत में इज देयर वर्क, हकीकत में यही वो संत लोगों का कार्य है। यहाँ पर संत बाबा ने सदगुरु को ही कहा है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं संत के आगे
हर जगह बाबा ने कहा है द रियलाइज्ड वन, द एक्सपीरियंस्ड वन. द रियलाइज्ड वन इज मतलब परफेक्ट मास्टर. परफेक्ट मास्टर कौन है? सद्गुरु है. तो जो संत है, संत शब्द बाबा ने परफेक्ट मास्टर के रूप में यहाँ यूज़ किया है. तो इनका हकीकत में यही कार्य है, यही उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि ऐसे दुभागी अभागी लोग जो माया की चुगुल में फंस गए हैं, तो उनको ये शैतानी संस्कारों की जकड़ में आने से बचाना है. दिस इन सूत इज द वर्क ने द ड्यूटी फॉर विच एक्सप्रेस पर्पस दे एज्यूम दिस ह्यूमन फॉर्म एंड कम डाउन टू दिस वर्ल्ड लिविंग बिहाइंड एंड सैक्रिफाइसिंग their own enjoyment of eternal bliss, परमानंद of their realized state. ये perfect master या सदगुरु उनकी अवस्था कैसी होती है? ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद में तो अनंत आनंद है, eternal bliss अवस्था है. उसमें डूबे रहने के बदले वो तो कर सकते हैं और उसको enjoy कर सकते हैं, जैसे कि मजहूब्स कहते हैं करते हैं. लेकिन वो करने के बदले, अनंत आनंद अवस्था में डूबे रहने के बदले, ये जो ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त पुरुष है वो अपना मनुष्य रूप फिर भी धारण किए रहते हैं, रखे रहते हैं, उसका भान रख के इस संसार में वापस आते हैं. हम हमेशा देखते हैं, इसका अर्थ वापस उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन उसी जन्म में, उसी देह में इस संसार का और अपने शरीर का भान वो वापस लाते हैं. केवल इसीलिए, इसके पीछे यही एक कारण है, यही एक बड़ा त्याग, वो अपने अनंत आनंद अवस्था का बड़ा त्याग करके वापस आते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्य करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए. ऊपर उठाने के लिए मतलब ये जो बहुत पापी लोग हैं उनको ये माया के चुगुल में से बचाने के लिए, उनके खराब संस्कार नष्ट करने के लिए. एज फॉर द भक्त मंडली और डिवोटीज हु गैदर अराउंड सच अ सेंट एंड रिमेन इन हिज सहवास दे आर राइटली कंसिडर्ड एज द मोस्ट फॉर्चुनेट वंस. ऐसे सदगुरु के अगल बगल में बाकी जो भक्त रहते हैं, केवल पापी रहते हैं क्या सदगुरु या अवतार के अगल बगल में? नहीं, बाकी लोग भी रहते हैं. तो अब बाबा बाकी लोगों की बात कर रहे हैं कि ऐसे जो भक्त मंडली होती है, जो बाकी लोग सदगुरु की अगल बगल में उसके सहवास में रहते हैं, वो उनको बहुत ही वास्तव में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाएगा. फॉर इन द सहवास ऑफ देयर गुरु they have the good luck to have their old samskaras from the past burnt up while preventing and blocking formation of new samskaras. But on top of that, they are enabled to perform all four yogas at the same time, which is absolutely impossible under any other conditions. इसी के साथ बाबा कहते हैं कि जो ये संत सदगुरु अवतार की सहवास में अगल बगल में बाकी भक्त लोग रहते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली रहते होते हैं. क्यों? क्योंकि इनका ये गुड लक होता है, भाग्य ऐसा रहता है कि इनके पुराने संस्कार तो खत्म हो ही जाते हैं, पूरे जल जाते हैं अवतार या संत की कंपनी में. ऊपर से इसके शीर्ष पर वो नए संस्कारों का निर्माण रोकने भी सक्षम हो जाते हैं, और उससे भी ऑन टॉप ऑफ दैट के इसके शीर्ष पर दे आर एनेबल टू परफॉर्म ऑल फोर योगास. मतलब ये जो भक्त लोग अगल बगल में होते हैं, उनके पुराने संस्कार भी जल जाते हैं, नए संस्कार उनका निर्माण भी रुक जाता है, ऊपर से ये चारों योगा को एक साथ करने में सक्षम हो जाते हैं. और जो कार्य अशक्य है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, बिल्कुल ही संभव नहीं, किसी भी स्थिति में चारों योग, जो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और राजयोग है, ये चारों योगों को
एक साथ कोई भी किसी भी हालत में नहीं कर सकता है। ये ऐसे ना ही के संभव वाला असंभव कार्य भी जो है, ये सदगुरु या संत या अवतार के अगल बगल के जो भक्त जन रहते हैं आपके हमारे जैसे, उनके लिए संभव होता है। क्यों और कैसा संभव होता है ये कभी नहीं सोचा था ना। चारों योगा के लिए प्राथमिक कंडीशन क्या है कि रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, सभी जो भौतिक आस्था है, भौतिक अट्रैक्शंस जो है उनको खत्म करके उसका त्याग करके आना है, तो ये पॉसिबल होता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है, इसको वापस कहते हैं, फॉर इन द सहवास ऑफ देयर गुरु दे हैव द गुड लक टू हैव देयर ओल्ड संस्कारास फ्रॉम द पास्ट बर्न्ड अप व्हाइल प्रिवेंटिंग एंड ब्लॉकिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू संस्कारास, बट ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर एनेबल्ड टू परफॉर्म ऑल फोर योगास एट द सेम टाइम which is absolutely impossible under any other conditions. For, क्यों ऐसा कैसा होता है? For, these devotees have renounced everything. The primary, essential and principal precondition of all the yogas. चारों योगा की जो प्राथमिक आवश्यक मुख्य precondition है कि चार सभी का सभी ये संसार भौतिक संसार की सभी आसक्तियों को त्याग करना। रिनाउंसिएशन ऑफ व्हाट? संसार मतलब संसार छोड़ के भगवी कपड़ी कफनी पहनकर और वो ये लगा के कहीं बैठना नहीं। रिनाउंसिएशन ऑफ व्हाट? त्याग किस चीज का करना है? भौतिक आसक्तियों का त्याग करना है। और ये जो भौतिक आसक्तियों का त्याग करके ये अपने सद्गुरु के पास आते हैं, इसीलिए इनको ये आइस ऑन द टॉप बोलते हैं ना, वैसा ये एडिशनल इनका ये बेनिफिट होता है। कैसा? वो बाबा आगे बताते हैं, हैविंग डन सो देन फर्स्ट दे प्रैक्टिस कर्म योगा बाय डूइंग व्हाट द गुरु ऑर्डर्स देम टू डू। अब ये कैसा संभव होता है? पहले वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो गुरु जो भी उनको कहता है वो करके वो क्या करते हैं? कर्म योगा का पालन करते हैं। सेकंड, दूसरा, दे परफॉर्म भक्ति योगा थ्रू लविंग एंड वर्शिपिंग देयर गुरु एंड मास्टर फॉर हूज सेक दे हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग एज वी हैव सेड। तो दूसरा जो है वो भक्ति योगा करते हैं, कैसा? कि उस गुरु के लिए, उस सदगुरु के लिए, अवतार के लिए वो सारा संसार त्याग कर आए हैं और उसी को वो प्रेम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और इस प्रकार से वो भक्ति योगा का पालन करते हैं। एंड थ्रू देयर एवर रेडीनेस टू लिसन टू व्हाट एवर ही सेज, सब कुछ त्याग कर वो अपनी गुरु के शरण में आए हैं इसीलिए, और हमेशा तत्पर रहते हैं कि जो भी गुरु कहता है, सदगुरु कहता है, उसकी आज्ञा का पालन के लिए वो तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से वो गुरु की पूजा करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, इस प्रकार से वो भक्ति योग करते हैं। थर्ड, इन थिंकिंग डे एंड नाइट ऑफ द मास्टर एंड गुरु एंड कॉन्सेंट्रेटिंग देयर माइंड्स ऑलवेज ऑन हिम दे परफॉर्म राजयोगा। अब बाबा ने राजयोगा क्या, किसके बारे में, किसको राजयोगा बताया था? हमने पहले देखा है इसमें बाबा ने राजयोग किसको कहा कि एकाग्रता, एकाग्रता को बाबा ने राजयोग कहा। तो तीसरा, ये जो सद्गुरु के अगल बगल में भक्तगण होते हैं वो क्या कहते हैं? तुम्हारे हमारे जैसा दिन रात वो अपना गुरु, अपना मास्टर, इसके बारे में ही सोचते रहते हैं और इस प्रकार से अपना मन एकाग्र रहता है उनका अपने गुरु के ऊपर, इस प्रकार से वो राजयोगा करते हैं। रिनाउंसिंग लास्ट, आखिरी योगा, रिनाउंसिंग एवरीथिंग सो दैट दे कैन गैदर अराउंड हिम, लर्न फ्रॉम हिम, बिकम वेल वर्स्ड इन नॉलेज एंड सो एडवांस टुवर्ड्स द गोल ऑफ ट्रुथ। इन डूइंग दिस
दे प्रैक्टिस ज्ञान योगा। इस प्रकार से सब संसार की आसक्तियों को दूर करके, खत्म करके, त्याग करके वो अपने गुरु के पास आते हैं। किस लिए आते हैं? उसके अगल बगल में वो जमा होते हैं। किस लिए? उससे कुछ सीखने के लिए, जो कि खुद बहुत ज्ञानी है, उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो कि ज्ञान अंतिम लक्ष्य, अंतिम सत्य को प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और ऐसा करने से वो उससे ज्ञान हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वो ज्ञान योगा का भी पालन करते हैं। कितना सुंदर बाबा ने समझा है। बाबा ने यहाँ सीधा बताया है कि जो पापी हैं वो भी अगल बगल में रहते हैं, उनको भी संस्कार खत्म करता है, नष्ट करता है सतगुरु। लेकिन जो उसके बाकी भक्त उसके पास रहते हैं वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। जैसे कि अभी हमारे सामने मैं देख रही गाड़ेकर काका है, तो ऐसे जो लोग हैं इनके पहले पुराने संस्कार भी खत्म किए हैं बाबा ने, और इनके नए संस्कारों का निर्माण भी रुका दिया है, बंद किया है। ये एक है। और दूसरा जो है, इन्होंने ये जो भौतिक आसक्तियाँ त्याग कर ये बाबा के पास आए हैं, गुरु के पास आते हैं, इसीलिए उनको ये बहुत जो रेयर क्वालिटी है कि चारों योगों का पालन करना, जो अशक्य असंभव है, ये चारों योगों का पालन इन भक्तों द्वारा किया जाता है। और चारों योगों का पालन कैसे किया जाता है ये भी बाबा ने बताया है कि वो रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली अट्रैक्शन, जो भी भौतिक आसक्तियाँ हैं उनका त्याग करना, ये प्राथमिक कंडीशन होती है चारों योगों के लिए। उसका पालन करके वो अपने गुरु के सन्निध में उसकी आज्ञाओं का पालन करके, उसकी सेवा करके कर्मयोग करते हैं, उसके अगल बगल में रह के ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान योग करते हैं, दिन रात उसके बारे में सोच करके वो राजयोग पालन करते हैं, और उसको प्रेम करके, उसकी पूजा करके, उसकी सेवा करके वो भक्ति योगा भी करते हैं। तो इस प्रकार से इस सद्गुरु के अगल बगल में जो भक्त है उनके द्वारा चारों योगों का पालन किया जा सकता है। पहले एक लेक्चर में किसी ने पूछा था कि हमको कौन सा योगा करना चाहिए, इसमें से कौन सा मार्ग चुनना है, तो चारों आप तरीके तरीके से कर सकते, ऐसा हमने तभी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। आगे देखते हैं, 10 बाय रिनाउंसिंग एवरीथिंग। एक मिनट, ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आगे तो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बाबा ने बताई है, उसके पहले गाड़ेकर काका का माइक खुला है। काका आप कुछ बोलना चाहोगे? गाड़ेकर का, हाँ गाड़ेकर काका ही, ओके। जय बाबा। 10 बाय रिनाउंसिंग एवरीथिंग, surrendering heart and soul to their guru and remaining constantly in his sevas, the bhaktas are enabled to perform the most difficult, indeed most impossible task of practicing all four yogas simultaneously. इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके और अपने दिलो दिमाग से गुरु को आत्मसमर्पण करके, पूरा समर्पित करके और सतत उसके सहवास में रहकर, भक्त जो लोग एकदम कठिन से कठिन, वास्तव में सबसे असंभव जो कार्य होता है कि चारों योगों का पालन एक साथ करने का, वो असंभव, सबसे असंभव कार्य वो भक्तजन करते हैं। फॉर अ योगी, इसके विपरीत अभी बाबा ने तुलना की योगी लोगों के साथ। देखो ये सब था कि उनके 1925-26 में दिए गए ये लेक्चर है। सभी मंडली जन यंग थे और वास्तव में उनको ऐसा बाहर अट्रैक्शंस थे, दूसरे बाबा, दूसरे गुरु, तो उनको सही मार्ग इस तरह से सीधी सीधी सिंपल बातों से बाबा कैसे समझा बुझा कर उनको रखते थे वो देखा जाए, और हमें भी कई सारी बातें इसमें से सीखने को मिलती हैं। फॉर अ योगी बाय कॉन्ट्रास्ट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस इवन टू योगास कंकरेंटली। बाबा कहते हैं इसके विपरीत जो योगी है उसे
दो योगा का भी एक साथ वो योगी पालन नहीं कर सकता है। क्यों? फॉर कर्म योगा टू टेक दिस एग्जाम्पल कॉल्स अपॉन देम टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वेर एज ज्ञान योगा फॉरबिड्स देम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एट ऑल, टीचिंग देम रादर टू डू नथिंग। बाबा ने कितना सुंदर तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि योगी ये दो योग भी एक साथ नहीं कर सकता है, जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, इनमें से कोई दो योग एक साथ योगी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी सीख ही बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे के विरुद्ध है। बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया है, एक उदाहरण ले लो, जो कर्म योगा है वो क्या कहता है कि सब कुछ करो, एनीथिंग, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ करो, कुछ भी करो। इसके विपरीत ज्ञान योग क्या कहता है, उनको कुछ भी करने से मना करता है। ज्ञान योग कहता है कि कुछ भी आप करने से संस्कार उत्पन्न होते हैं, क्रियाशीलता, निष्क्रियता, ऐसा एक टॉपिक मराठी में हमने देखा था जिसको डिस्कोर्सेस में है, एक्शन एंड इनएक्शन, ऐसा बाबा ने समझाया है। बड़ा एक संपूर्ण टॉपिक है डिस्कोर्सेस में, एक्शन एंड इनएक्शन। तो ज्ञान योग क्या करता है, कुछ भी करने से मना करता है। वो ज्ञान योग ऐसा सिखाता है, कुछ भी मत करो। अब देखो कर्म योग कहता है सब कुछ करो, सब कुछ करो, कुछ भी करो। ज्ञान योग कहता है कुछ भी नहीं करो। तो यदि कोई योगी दो योग साथ में कर सकता है क्या, ये संभव है क्या? नहीं है। These two lines of instructions, in other words, run directly opposite to one another. ये दोनों भी जो सूचनाएँ हैं इन दोनों से आई हुई, ये एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है, विपरीत है। Each undoing what the other does. एक ने जो कहा है वो दूसरा अनडू करता है, उसको उसके विपरीत कहता है। लेकिन ये कहाँ संभव है? दो योग नहीं, चार योग इकट्ठे वही कर सकता है जो सतगुरु का भक्त है, वही कर सकता है। और कैसा कर सकता है वो हमें थोड़ी देर पहले हमने देखा है। टू टेक स्टॉक एंड समराइज ऑल दिस टीचिंग्स देन वी फाइंड, इन शॉर्ट, अब बाबा कहते हैं कि अभी तक हमने आगे जितना भी देखा उसका संक्षेप में कहना है तो हम ये देखते हैं That ordinary people make a mess of good and bad samskara. जैसे कि इस लेक्चर की शुरुआत हुई थी कि सामान्य मनुष्य जो है उनके अच्छी कृति से, विचारों से, शब्दों से अच्छे संस्कार होते हैं, खराब कृति, खराब विचार, खराब शब्द, इससे खराब संस्कार उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए सामान्य मनुष्य के पास अच्छे और बुरे दोनों संस्कारों का भंडार रहता है। जैसे कि बाबा ने वहाँ उदाहरण दिया था, हमारे सर पर जैसे बाल रहते हैं, काले भी रहते हैं, सफ़ेद भी रहते हैं, मिक्स रहते हैं, वैसे हमारे संस्कार भी, किसी के संस्कार पूरे अच्छे या किसी के पूरे बुरे नहीं होते हैं, तो मिक्सचर रहता है अच्छे बुरे का। दैट योगीज रिमूव देम सुपरफिशियली। अब योगी लोग उनको पूरे संस्कारों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, केवल नए संस्कारों का निर्माण वो रुका सकते हैं। और कैसा, वो हमने देखा था पहले, द रियलाइज सद्गुरुज रूट देम आउट फॉर एवर। योगी लोग केवल नए संस्कार उत्पन्न होने से थोड़े रुका सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन पुराने संस्कारों का बड़ा भंडार जो है उसको नष्ट नहीं कर सकते। केवल जो ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त पुरुष है, गॉड रियलाइज सोल है, परफेक्ट मास्टर है, सदगुरु है, वही लोग केवल संस्कार पूर्ण रूप से संपूर्णतया नष्ट कर सकते हैं हमेशा के लिए। द रियलाइज सदगुरु रूट देम आउट फॉर एवर, वो जड़ से उनको उखाड़ करके फेंक सकते हैं। तो इसके लिए हैंकरचीफ का बाबा ने उदाहरण दिया था, या आगे आने वाला है, ठीक है, वो आगे है, हम आगे देखते हैं। उसके पहले किसी को कुछ पूछना है, बताना है, शेयर करना है? जय बाबा, जय बाबा देशपांडे। सर्कल जो है, मंडल जो है उतार का, उसका तैयार बनाने के लिए कुछ समय चाहिए और कुछ काम भी उसके ऊपर करना पड़ता है, वो जरूरी होता है। इसके बारे में बाबा क्या कहते देखते हैं।
Hafiz has elucidated, sorry, Hafiz has elucidated all of the facts discussed so far, as well as other points to be gone into now in splendid style. यहाँ ये कहते हैं कि अभी तक जितने भी मुद्दों को हमने विशद किया है, देखा है, इसके बारे में और आगे जो हम देखेंगे, ये सभी मुद्दों को हाफिज़ ने बहुत सुंदर तरीके से विशद किया है. कंटिन्यूइंग ऑन दिस सब्जेक्ट आफ्टर अ ब्रीफ इंटरल्यूड श्री वेंट ऑन टू एक्सप्लेन. अभी ये जो हम संस्कार, उसकी निर्मिति, खत्म होना और सद्गुरु का सहवास या चारों योग, इसके बारे में देख रहे, इसके बारे में बताते इसी टॉपिक पर आगे बाबा ने कंटिन्यू किया एक छोटे से अंतराल के बाद. और आगे बाबा ने ये कहा, आगे देखते क्या कहा. नाउ आई विल रिपीट टू यू द सेम स्टोरी बट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इन अ डिफरेंट लाइट. बाबा कहते हैं कि इसी सेम स्टोरी को मैं अभी वापस भिन्न परिप्रेक्ष्य में आपके सामने दूसरे दृष्टि से, एंगल से, दूसरे मुद्दों को ध्यान रख के इसी को आपके सामने रखता हूँ. अब कैसा रखते हैं बाबा, देखिए, संस्कारों का देखा, फिर योगा का देखा और फिर मास्टर्स कंपनी देखा. अब आगे देखते हैं. ए सर्टन फिक्स्ड टाइम, अमुक वक़्त एंड सर्टन डिफिनिट प्रिंसिपल्स, नियम रुधि ऑलवेज हैव देयर प्लेस इन द कैरिंग आउट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्क. कोई भी आंतरिक या बाह्य कार्य करना है तो उसके लिए एक सुनिश्चित समय और सुनिश्चित स्पष्ट तत्व के ऊपर ही उसका निर्माण होगा, वो कार्य होगा. वो कार्य में सुनिश्चित समय और स्पष्ट तत्व के ऊपर ही ऐसा कार्य, आंतरिक या बाह्य कार्य होगा. दिस इज पर्टिक्युलरली सो with regard to circle members who are being prepared for being made perfect. ये खास करके जो सर्कल के सदस्य, मंडल के सदस्य है, जिनको कि परिपूर्ण बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है. The preparations for their perfecting always entail a certain time and working. उनका परिपूर्णत्व कब मिलना है ये स्पष्ट, एक कुछ एक उसका समय है, उसकी एक कार्य प्रणाली है. तो बाबा कहते हैं कि कोई भी आंतरिक या बाह्य कार्य करना है तो उसके लिए एक स्पष्ट तत्व होते हैं, एक सुनिश्चित समय होता है. और ख़ास करके मंडल के सदस्यों जिनको परिपूर्णता के लिए, परफेक्शन के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए जिनकी तैयारी करवा ली जाती है, उनके बारे में तो ये खास महत्वपूर्ण है. नाउ अ सद्गुरु कैन मेक एनी वन अ मजहूर एनी टाइम ही लाइक्स. ये सद्गुरु जो है किसी को भी मजहूर बना सकता है किसी भी समय, जब वो चाहे, जब उसकी मर्जी करे. बट टू मेक समवन अ रियलाइज सलीक That necessitates time and working. मजहूब तो सदगुरु किसी को भी कभी भी बना सकता है जब उसकी मर्जी हो, लेकिन यदि किसी को सलीक बनाना है, परफेक्ट मास्टर बनाना है, सदगुरु बनाना है, तो उसके लिए समय चाहिए, एक कार्य प्रणाली चाहिए, वर्किंग चाहिए. तो यहाँ पर बाबा कहते हैं अभी हमको मजहूब और सदगुरु दोनों में क्या अंतर है बहुत अच्छे से हम सब लोग जानते हैं, सही है ना? कोई बताएगा इन शॉर्ट मजहूब और सदगुरु, मजहूब क्या है, सदगुरु क्या है? हम बहुत बार ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर छोड़ के हम इसके, हाँ प्लीज नंदराम जी बोलिए. जय बाबा. धन्यवाद नंदराम जी. परफेक्ट, केवल एक थोड़ा करेक्शन करूँगी. बिल्कुल सही कहा नंदराम जी ने, जो आफ्टर गॉड रियलाइजेशन कुछ आत्माएं तुरंत शरीर छोड़ती है,
कुछ शरीर नहीं छोड़ती है, कुछ वो जो है वो मजहूब, लेकिन वो उनको अपने शरीर का और इस संसार का भान नहीं रहता है, वो अनंत आनंद अवस्था में डूबे रहते हैं और उनका जो इन्फिनिट नॉलेज और इन्फिनिट उन्होंने प्राप्त किया है उसी के द्वारा उनका शरीर का चलन वलन या ये सब होता है, ना ही सदगुरु के द्वारा। वो थोड़ा करेक्शन है, वो मजहूब खुद ही उसने जो अनंत शक्ति अनंत ज्ञान जो भी प्राप्त किया है, गॉड रियलाइजेशन प्राप्त किया है, उसके द्वारा ही वो अपने आप उसका शरीर का सब कुछ ख्याल रखा जाता है। और जो सतगुरु है वो आफ्टर गॉड रियलाइजेशन अपना शरीर का इस संसार का भान वापस लाते हैं, क्योंकि उनको इस संसार के प्रति कुछ कर्तव्य निभाना होता है, वो है सतगुरु। थैंक यू नंदराम जी, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि मजहूब तो कोई किसी को फटाक से कभी भी सतगुरु बना सकता है, लेकिन किसी को सलीक बनाना है, सतगुरु बनाना है, तो उसके लिए एक निश्चित कार्य निश्चित कार्य प्रणाली और समय की महत्व है। लेट्स टेक एन एनालॉजी, बाबा कहते हैं एक उदाहरण ले लो। क्या उदाहरण है? योर हैंडकरचीफ हियर बीइंग कंपेयर्ड टू द माइंड, आपका जो दस्ती है, रुमाल है, इसको समझो कि ये एक आपका मन है, हैज ट्विस्ट एंड नॉट्स इन इट, इसके अंदर तोड़ मरोड़ है, उसके गाठे है, विच रिप्रेजेंट द माइंड संस्कार। ये रुमाल जो है ये जो ऐसा मोड़ गया है, चुरगल क्या बोलते हैं मराठी में, चुरगला बोलते हो, क्रीज हो गया है और उसमें जो गाठे है, ये समझो कि आपका मन है और रुमाल एक आपका मन है और ये गाठे उसके ऊपर जो है ये आपके संस्कार है। नाउ दीज ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन द संस्कारास कैन बी अंडन एंड डिस्ट्रॉयड इन टू वेज। अब ये रुमाल के ऊपर, ये यानी कि आपके मन के ऊपर जो संस्कार है, जो गाठे है संस्कारों की, इस दो प्रकार से इसको खत्म किया जा सकता है। कैसे? पहला यह है, बाय रिवर्सिंग देम वेयर बाय वन अनकॉइल्स देम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक है कि उसको उल्टा करके, गांठ ऐसी मारी तो वापस उसको ऐसा करके, उलझ करके, उसको सुलझा करके गांठ को निकाला जा सकता है उल्टी डायरेक्शन में उसको करके, और बाय अप्लाइंग अ लाइट एंड मैच स्टिक एंड बर्निंग देम अप, या तो एक माचिस ले करके उसके नीचे करो, जला दो, जल जाएगा वो। अब जलने से क्या होगा? गांठ तो खत्म होगी, रुमाल भी जल जाएगा, और निकालने से क्या होगा? गांठ निकल जाएगी, रुमाल वैसा ही रह जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड्स इज दैट द बर्निंग एक्चुअली डिस्ट्रॉयज द ओरिजिनल हैंडकरचीफ अलोंग विद द नॉट्स। ये दोनों पद्धति में अंतर ये है कि जलाने से गांठ तो जल जाएगी, उसके साथ में रुमाल भी जल जाएगा, वाइल द मेथड ऑफ रिवर्सल अनवाइंडिंग द लूप्स एंड टर्न्स सर्व्स द पर्पज ऑफ वाइपिंग आउट द संस्कारास। इसके विपरीत जो उल्टा करके गांठ सुलझाने से यह होगा कि ये संस्कार पोछे जाएंगे, निकाले जाएंगे, क्लीन किए जाएंगे, बट एट द सेम टाइम इट कीप्स द ओरिजिनल हैंडकरचीफ इंटैक्ट। उसी साथ में जो आपका रुमाल है एज इट इज रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, साफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दिस हैंडकरचीफ कैन बी कंपेयर्ड टू योर माइंड व्हाइल यू योर सेल्फ कैन बी कंपेयर्ड टू द आत्मा। बाबा कहते हैं कि यह रुमाल को ऐसा समझो कि यह आपका मन है और आप जो है वो आपका आत्मा है। यू इज इक्वल टू आप, आत्मा मतलब यहाँ बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि आप हैं एक आत्मा है और आपका रुमाल जो है ये आपका मन है। द नॉलेज और रियलाइजेशन बिस्टोड अपॉन द वन डेस्टिन्ड टू बी अ मजहूब इज गिवन नॉट टू हिज माइंड बट टू हिज आत्मा और सोल डायरेक्टली। बाबा कहते हैं कि जिसको ज्ञान देना है, अनुभव देना है, ईश्वरीय साक्षात्कार का अनुभव, जिसको अनुभव प्राप्त करने के लिए जो डेस्टिन है, जो भाग्य उसका है, जो जिसके नसीब में ईश्वरीय साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्त करना है, वो जो है वो मजहूब को उसके मन को नहीं दिया जाता है। यह अनुभव, ईश्वरीय साक्षात्कार का अनुभव या ज्ञान मजहूब के मन को नहीं दिया जाता है,
किंतु इसके आत्मा को डायरेक्टली दिया जाता है. द मजहूब्स माइंड इज बर्नड अप एंड डिस्ट्रॉयड व्हाइल द नॉलेज इम्पार्टेड टू सर्कल मेंबर्स पर्टेंस बोथ टू द माइंड एंड द सोल एज वेल. तो मजहूब का जो मन है वो डिस्ट्रॉय जला के ख़त्म किया जाता है, मनोनाश मन नष्ट हुआ होता है. इसके विपरीत उसका सर्कल के सदस्यों को जो ज्ञान दिया जाता है वो उनके मन और आत्मा दोनों को दिया जाता है. यहाँ इतना सुंदर उदाहरण से बाबा ने बताया है कि यदि एक रुमाल है और वो रुमाल को गांठ किया है, वो गांठ सुलझाने का दो तरीका है, या तो उल्टा करके वो गांठ खोली जाए. तो ऐसे में ये रहा रुमाल, ये सारा रहा, इसके ऊपर जो क्रीज है ये सारे संस्कार है, ये इसको जो ऐसी गांठ मारी तो ये भी संस्कार है. अब इस गांठ को सुलझाने का है तो ऐसा करके हम सुलझा सकते हैं, तो गांठ निकल गई, लेकिन रुमाल ऐसा ही है. लेकिन यदि माचिस से इसको जलाया तो गांठ भी निकल जाएगी, रुमाल भी जल के ख़त्म हो जाएगा. तो ये फ़र्क है. मजहूब में क्या होता है, माचिस से जलाने से जैसा होता है वैसा उनके संस्कार भी ख़त्म हो जाते हैं, उनका मन भी ख़त्म हो जाता है. लेकिन मंडल के सदस्यों को जो ज्ञान दिया जाता है और उनको जो अनुभव दिया जाता है ये गांठ को सुलझाने जैसा होता है. वो मंडल के सदस्यों के आत्मा और मन दोनों के ऊपर कार्य करता है. आफ्टर रियलाइजेशन द सर्कल मेंबर वर्क्स विथ दैट रियलाइज्ड माइंड व्हेन ही डिसेंड्स बैक टू द वर्ल्ड फॉर ड्यूटी. और उसका फ़ायदा ये होता है, यहाँ पे उनका रुमाल जल के ख़त्म होता नहीं, मन जल के ख़त्म होता नहीं, वो मंडल के सदस्यों को मन और आत्मा दोनों के ऊपर ध्यान और साक्षात्कार का उपयोग होता है. और ये मन मंडल के सदस्य का, ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त सदस्य का इंटैक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है. क्यों? क्योंकि जब वो अपने कर्तव्य के लिए वापस आएगा मतलब अपना भान वापस लाएगा, तभी इसी मन के द्वारा उसको संसार में कार्य करना होता है. ये महत्वपूर्ण फर्क यहाँ पर बताया है. रियलाइजेशन कम्स एट इट्स प्रॉपर टाइम थ्रू द गुरुज ग्रेस. साक्षात्कार जो है गुरु के कृपा से जब उसको आना है, उसका जो निश्चित समय है उसी समय पे रियलाइजेशन मिलेगा. द सीड्स आर सोन बट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ. ये जो रियलाइजेशन का है, साक्षात्कार का है, गॉड रियलाइजेशन का बीज ऑलरेडी बोया है, कई साल पहले इसको बोया गया है और अभी उसकी ग्रोथ होना, बढ़ना उसका अपेक्षित है. दीज सीड्स वोंट जर्मिनेट बिफोर देयर टाइम. ये जो बीज बोए हैं, जो नीलम जी आपके प्रश्न का शायद यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली दूसरी तरह से उत्तर मिल जाएगा, ये जो ईश्वर साक्षात्कार के बीज बोए गए हैं उनका जब समय आएगा उसी समय पे वो पक्व होके उनमें से पौधा आएगा और वो बढ़ जाएगा. एंड दे वोंट लिंजर ऑन आफ्टर देयर टाइम हैज़ एक्सपायर्ड. वो बीज जो है वहाँ पर रहेगा नहीं, जब उसका समय ख़त्म होगा तब डेफिनेटली वो साक्षात्कार उसे प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा समय, अधिक समय वो लेगा नहीं. इसके बारे में बाबा ने पहले भी एक लेक्चर में जो वाजपेयी जी ने पढ़ा था इसके बारे में बाबा ने एक उदाहरण दिया था, शायद उसको बाबा ने यहाँ पर रिपीट भी किया है. टू टेक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, इसके बारे में बाबा ने एकदम एक ठोस उदाहरण दिया है, मैं पढ़ती हूँ, आप समझने की कोशिश करिए. सीड इन द फॉर्म ऑफ सीमेन हैज़ बीन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इजैक्यूलेटेड एट टाइम एज टाइम गोज ऑन gradually this seed takes the form of a human body within the woman's womb garbha bij ropayu and when the form and growth are complete only then does it into bracket as the baby emerge in its perfect condition. baba kehte hai ki ek stri ke garbh mein jaisa ye shukranu dala jata hai और वो उसके निश्चित समय तक वो अंदर रह के अपना धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, फिर उसका अपना एक रूप होता है,
एज अ बेबी, और जो उसकी पूर्ण स्थिति हो जाएगी उसके बाद में अपने आप वो अपना समय पर ही बाहर आता है। एक छोटा बच्चा जो है माँ के गर्भ में 9 महीने रहेगा, उसके अंदर उसका धीरे धीरे पालन पोषण एक स्लो होता है, प्रोग्रेस होता रहता है, और उसका निश्चित समय है, वो समय से पहले बाहर आएगा नहीं, आएगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है, और जो समय उसका निश्चित है उस समय वो आएगा ही आएगा। तो उस लेक्चर में बाबा ने ये कहा था कि वो माँ को कम से कम वो ऐसा धीरज से शांति से पेशेंटली वो इंतज़ार करती है 9 महीने और बच्चा बाहर आने का, पर उसको मालूम होता है कि फलाने महीने में वो ऐसा होगा, लेकिन जो मंडल का सदस्य है उसमें बीज बोया गया है, गॉड रियलाइजेशन का बीज वो मंडल के सदस्य में बोया है, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि ये बीज मेरे अंदर बोया है, और उसको ये भी पता नहीं होता है कि कब एग्जैक्टली गॉड रियलाइजेशन मिलेगा। ये फ़र्क बाबा ने उस लेक्चर में बताया था, तो इसी को बाबा ने यहाँ दोहराया है। अदरवाइज इफ़ यू रिमूव इट प्री मैच्योरली, वो बेबी को बाबा कह रहे इफ़ यू अगर वो बेबी को प्री मैच्योरली पहले से समय के पहले से निकाला जा गया आइदर बाय मीन्स ऑफ सम मेडिसिन और थ्रू एन ऑपरेशन, मेडिसिन दे के या ऑपरेशन से, द कंटेंट्स ऑफ द वोम दैट इज दिस चाइल्ड इनसाइड डू इनडीड इश्यू फोर्थ बट नॉट इन देयर कंप्लीट एंड परफेक्ट फॉर्म बट इन अ फॉर्म दैट इज कच्चा अनराइप एंड नॉट इवन लिविंग डेड ऑफ एंड ऑफ नो यूज वेल इफ इट हैड बीन लेफ्ट अलोन टू फॉलो इट्स ओन नेचुरल कोर्स ऑफ ग्रोथ दैट इज If it had been allowed and granted its proper time, it would have issued in its complete and mature form without the necessity of external efforts to drag it out. बाबा कहते समय से पहले उसको बाहर निकाला जाएगा तो ये तो जीवित नहीं रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा, उसका बराबर रूप नहीं रहेगा, कच्चा ही रहेगा, पर उसको इंतज़ार करके अंदर रहने देते थे, उसके समय पे उसको बाहर आने देते थे, तो कि ना बिना कोई एफर्ट्स के बिना कोई प्रयास से वो अपने आप अच्छे तरह से बाहर आ जाता था। आई माई सेल्फ एम क्वाइट श्योर ऑफ हैविंग सोन द सीड्स इन माई सर्कल मेम्बर्स हु आर बींग प्रिपेयर फॉर परफेक्शन एंड आई एम इक्वली श्योर ऑफ द रिजल्ट that these seeds will grow to their complete and mature form, that they will become perfect, but only at the proper time. Baba कहते हैं मैं स्वयं तू बहुत ही श्योर हूँ, मुझे खात्री है, पक्का मुझे पता है कि मैंने ये जो ईश्वरी साक्षात्कार के बीज है अपने मंडल के सदस्यों में बोए है, और जो ये सदस्य जो कि परफेक्शन के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए, परिपूर्णत्व के लिए, ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं उसी प्रकार मुझे खात्री है, आई एम श्योर, उसके परिणामों की भी मुझे खात्री है कि ये जो मैंने बीज बोए हैं उनमें ईश्वरीय साक्षात्कार के, मेरे मंडल के सदस्यों में जो मैंने बीज बोए हैं वो पूर्ण हो गए, वो उनके बढ़ जाएंगे, मैच्योर होंगे, और एक दिन वो परफेक्ट मास्टर बनेंगे, परिपूर्णत्व पाएंगे, लेकिन अपने समय पर, जिसका उसका समय है उसी समय पर, ओनली एट द प्रॉपर टाइम, उनके समय पर ही यह होगा। एक अनादर एनालॉजी, बाबा कहते दूसरा और एक उदाहरण ले लो। You are all convinced that the sun does indeed rise every morning at its appointed hour. आप सबको पता है, पूरा यकीन है कि हर रोज सूरज अपने जो निश्चित समय पर ही आता है, उगता है, सनराइज होता है। Now, given this assurance that the sun will rise, suppose you try to make it rise before its proper moment, say sometime during the night. ये आपको पता है कि इसके निश्चित समय पर जो है आज सूरज इतने बजे निकलेगा, फिर भी यदि आप कोशिश करते हैं, समझो कि बीच रात में आप कोशिश करते हैं कि सूरज उगाने की, सूरज को बाहर लाने की कोशिश यदि करते हो, इवन यू स्करी अबाउट एंड शाउट अलाउड विद द वॉइस ऑफ थाउजेंड्स अर्जिंग द सन टू कम फोर्थ
say at 1 or 2 o'clock at night, it will never happen. The sun will never appear. बाबा कहते कि मानो रात को 1-2 बजे आज इतना जोर जोर से चिल्लाओ, हजारों की संख्या में आके चिल्लाओ, सब लोग मिलके बोलो और उसको कितना भी विनती करो सूरज को रात को 1 या 2 बजे उगने की या आने की, तो सूरज आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक उसी प्रकार है. आई एम जस्ट एज श्योरली एज यू नो इट एज अ फैक्ट दैट द सन डज राइज बट ओनली एट इट्स प्रॉपर टाइम इन द मॉर्निंग. So you should take it as a fact that when I say that those of my circle who are destined for perfection shall be made perfect, this is assured and definite. आपको जिस प्रकार से खात्री है कि वो सूरज आएगा, उसका जो समय है उगने का उसी समय वो आएगा, उसी प्रकार से आप को खात्री होना चाहिए, आप श्योर होना चाहिए कि मेरे मंडल के सभी सदस्यों को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होगा. उनका जो समय है वो उनको आश्वासित होना चाहिए. ठीक है, जिनकी किस्मत में ये ईश्वर साक्षात्कार है उनको वो सुनिश्चित समय पे, उनका जो निश्चित समय है उसी समय पे निश्चित मिलेगा, इसके बारे में उनको आश्वासित होना चाहिए. बट ईच एट इज प्रॉपर टाइम. देखो इसके बारे में एक उदाहरण छोटा सा. ऑफिस में हम सब लोग काम करते हैं तो प्रमोशन होता है, सबको मालूम है होगा, लेकिन उसका टाइम है, उसकी एलिजिबिलिटी है 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, जो भी क्राइटेरिया जो भी ऑफिस में होगा सबको मालूम है. सबको मालूम मेरा टाइम आएगा लेकिन 3 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, तुरंत किसी को मिला ऐसा कभी होता है? वो बहुत रेयर इसमें होता है. इसी प्रकार से ये है, गॉड रियलाइजेशन मिलेगा, मंडल के सदस्य तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसका उसका समय है. जैसा कि मणिमाई के बारे में बाबा ने कहा था कि 2 जन्म के बाद शायद मणिमाई को कहा था, या ये तो गांधी जी के बारे में कहा था, मणिमाई के बारे में इतना ही बताया था कि मणिमाई विल बिकम अ परफेक्ट मास्टर. मतलब मणिमाई जो है ये सद्गुरु अवस्था प्राप्त करेगी, ऐसा बाबा ने कहा था. बट यू फॉर योर पार्ट कांट कीप क्वाइट एंड हैव पेशेंस since you haven't the slightest hint or clue, let alone proof of who among you are to be realized and when of who belongs to the circle and so forth. अब यहाँ पर बाबा जो है मंडली के सदस्यों को कह रहे हैं, क्योंकि उस समय में याद है मुझे भी बिल्कुल ये चलता था कि कौन मंडल का सदस्य है कौन नहीं है, कौन अंदर का मंडल है कौन बाहर का मंडल का सदस्य है और क्या ये सब. और मंडली के सदस्यों में बहुत ये ऐसा इम्पेशंस चलता था, अस्वस्थता और चलता रहता था चर्चा कि अरे कौन सदस्य है, किसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो बाबा यही बोल रहे हैं कि आप लोग शांत नहीं बैठते हैं, पेशेंस नहीं है, चुपचाप क्वाइट नहीं बैठते हैं और आपको धीरज नहीं है, और लेकिन आपको थोड़ी सी भी हिंट नहीं है, थोड़ा सा भी संकेत नहीं, थोड़ी सा भी इस आपको इस बात का छोड़ो कि प्रमाण तक नहीं है कि आप में से कौन किसको साक्षात्कार प्राप्त होगा और कौन सर्कल का सदस्य है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप इसके चर्चा ही करते रहते हैं जबकि आपको को उसको कोई संकेत नहीं, कोई प्रमाण भी नहीं है. एंड नन ऑफ दिस is any fault of yours. और बाबा कहते हैं ये आपका दोष नहीं है. For you have no knowledge whatsoever of what all this business is about. क्योंकि ये आपका दोष नहीं है, आप सब चर्चा करते रहते हैं कि कौन मंडल का सदस्य है, किसको साक्षात्कार मिलेगा, लेकिन ये आपका दोष नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ये आपके ज्ञान के बाहर की चीज़ें हैं, आपको इसका ज्ञान नहीं है. In whom have the seeds of perfection been sown? इसमें साक्षात्कार के बीज बोए गए हैं. दिस यू डू नॉट नो एंड विल नॉट नो, नॉट इवन दोज अमंग यू हु आर डेस्टिन टू बी मेड परफेक्ट, इवन दोज अमंग यू सो डेस्टिन विल नेवर नो इट अप अंटिल द लास्ट मोमेंट. बाबा कहते हैं यहाँ तक कि आप में से जो किसी को भी कुछ भी पता नहीं और कभी पता नहीं चलेगा कि आप में से मंडल के सदस्य कौन है और नहीं है, और ये बात सही है, ये आखिर तक बाबा ने कभी उसको उजागर नहीं किया है.
और किसको परफेक्शन मिलेगा, गॉड रियलाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, यह आपको अंत तक पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि जिसको गॉड रियलाइजेशन मिलने वाला है उसको स्वयं को भी पता नहीं चलेगा कि मुझ में ये बीज बोए गए हैं, जबकि आखिरी क्षण तक उसको पता नहीं चलेगा, अंटिल द लास्ट मोमेंट अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। द ओनली गुड एडवाइस टू बी गिवन इज दिस। ऐसी स्थिति में एक ही सलाह, अच्छी सलाह आपको दी जा सकती है, और वो यह है कि रिमेन इन सहवास। अगेन इम्पॉर्टेंट बात, सद्गुरु के सहवास में रहो, रिमेन इन सहवास ऑल ऑफ यू। आप में से हर कोई हरदम ईश्वर के सहवास में, सद्गुरु के अवतार के सहवास में रहो। इवन दोस अमंग यू हु आर नॉट इन द सर्कल, दो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉन टू नन। ये तो किसी को भी पता नहीं है कि कौन मंडल का सदस्य है नहीं है, फिर भी आप में से जो मंडल के सदस्य नहीं है, मतलब जिसको बाबा ने तभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, डिवोटीज या भक्तगण, जो हम लोग हैं, तो आप में से जो भक्तगण, जो सर्कल मंडल सदस्य नहीं है, वो भी हमेशा सहवास में रहिए। शुड डू सो बिकॉज एज जस्ट से द सीड्स हैव बीन सोन। आप हमेशा सहवास में रहिए, क्यों? क्योंकि बीज तो पहले से ही बोए गए हैं, नॉट नाउ, अभी नहीं, बट इन टाइम्स लॉन्ग पास, अभी नहीं, बहुत पहले से ये बीज आप में बोए गए हैं साक्षात्कार के। से years before, कई साल पहले, कई युग पहले, though the ones in whom these seeds have been sown had no idea nor knowledge of it। हालांकि जिनमें ये साक्षात्कार के बीज बोए गए हैं उनको उसकी कोई भनक नहीं है, कोई आइडिया नहीं, कोई संकेत नहीं, या उसका ज्ञान भी नहीं है। दिस सीड्स हैव बीन सोन इन अ ग्राउंड वेयर दे आर श्योर टू फ्रूक्टिफाई। ऐसी जगह ये बीज बोए है कि जहाँ पर वो डेफिनेटली ये बीज अच्छे फ्रूक्टिफाई हो गए, फलेंगे। दिस सोइंग मस्ट नेसेसरीली बियर फ्रूट। ये जो मैंने बीज बोए हैं साक्षात्कार के, ये डेफिनेटली नेसेसरीली आवश्यक रूप से ये फल लाएगा। किसका फल? साक्षात्कार का फल। द सीड्स हैव नॉट बीन स्कैटर्ड हैफजर्डली, ऐसे ही संयोगवश यहाँ वहाँ ऐसे ये बीजों को बोया नहीं है। दे हैव नॉट बीन प्लांटेड जस्ट एनीवेयर, कहीं भी ऐसा कोई भी वो बीज बोया नहीं है। विदाउट रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस एंड सराउंडिंग्स, आसपास या परिस्थितियों का बिना भान रख के इसको बोया नहीं है। ऑफन दे बियर फ्रूट ओनली आफ्टर हार्ड एंड सीवियर टेस्ट एंड ट्रायल्स, ऐसा नहीं है। ये बीज तो बोए हैं आप में, लेकिन ये बीज ऐसी जगह बोए हैं, देख करके बोए हैं, और वो ऐसे ही फ्रुक्टिफाई फल नहीं पाएंगे। बहुत कड़ी परीक्षाओं, कठिन परीक्षण और परीक्षा के बाद ही ये फल पाएगा। कठिन परीक्षाएं होगी, परीक्षण होगा, परीक्षा होगी, टेस्ट एंड ट्रायल्स होगा, इसके बाद ही ये बीज जो बोए है इसको फल होगा, प्राप्त होगा। ऐसे ईश्वरीय साक्षात्कार आराम से हंस के बैठी जगह नहीं मिलेगा, बहुत कठिन ट्रायल्स, उसमें टेस्ट देने पड़ेंगे। द कनेक्शन ऑफ द सर्कल मेंबर टू द सर्कल इज शोन इन फिगर 24 बिलो। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से हम काफ़ी आगे एक्सीड किए आज टाइम में, हालांकि इसी का ही ये भाग है, पर कोई बात नहीं, चलो हम इसको थोड़ा सा अगले बार में देख लेते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हुआ है। आज प्रार्थना के लिए नीलम जी को बोला है, किसी को कुछ इसमें पूछना है, बताना है तो बोलिए, वरना हम प्रार्थना के लिए चलते। नीलम गोयल जी प्रार्थना बोलेगी। सभी को धन्यवाद, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल, थैंक यू केतकी। नीलम जी आप मैं, जय बाबा। आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है, तुम अद्वैत हो,
तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और आगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड यतो और दिव्य नेत्रो के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परिकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परम आत्मा हो। तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यस्तान हो, अहुमस्तो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजस अथार एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था, स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा पाखंड दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताते हैं के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम आम दाम तक बाबा का दामन जड़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलत कर गुदरत परमा तू जिला
आशुभ तूने के बख्शे पूरी मातु दयामुर शरण है बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर उदाया जात थी वाके पठई पे ओ मेहर बाजू तुझे माँ लिखती खतनो तू आशिक दीन आरिफ की तुझे डरी याए बहदत मारे पतनो कोई तू पातू हमो रहे नव ने ऐसा लेख बख्श जे ज्ञान जगनु के तू पर मात मा ज्ञानी छे ने मुख तारे रफाउ उदाना प्रेम नो प्यारो पिलावी मस्त हम ले कर छे तुझ पर जान सद के साकिया पयमातु हमारी नाम भर दरिये करावे तू हमें करिए हमारा ना खुदा अय मेर बाबा छेनी है बातू हमारा ना खुदा है मेर बाबा छेनी के बातू बुझावे नार जलतनी रत्न मातू